हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2022 एडिशन रेलवे किरण 9700 प्लस बुक से संख्या पद्धति लास्ट टाइप 7 का क्वेश्चंस नंबर देखिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 12 से। यह क्वेश्चंस है ए कॉमा बी तथा सी का योग 3800 है। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 3800। आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है। क्वेश्चंस में लिखा है कि यदि ए कॉमा बी के एक तिहाई के बराबर हो, यानी कि ए है जो बी के एक तिहाई के बराबर है, और आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, तथा बी कॉमा सी का पांचवा भाग है, यानी कि बी है जो सी का पांचवा भाग के बराबर है। आगे क्वेश्चंस में लिखा गया है कि तो सी का मान क्या होगा। यहां से आपको सी का मान पूछ रहा है क्वेश्चंस में। अब देखिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहां पर ए रेशियो बी कितना हो गया, ए बटा बी 1/3, यानी कि 1:3 हो गया। यहाँ पर बी रेशियो सी कितना हो गया, तो 1:5। इसके बाद यहाँ पर बी 3 है, यहाँ पर बी 1 है, यानी कि बी को समान करना है, तो हम 1 को 3 बना सकते हैं, मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से करना होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब बी अनुपात सी कितना हो गया, 1:3 और 5:15। डेट मीन्स अब दोनों जगह देखिए बी का वैल्यू सेम हो गया, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया, तो 1:3:15। यहां पर देखिए 15:3:18:19, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना यहां पर है रेशियो में, रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी आपको दिखना चाहिए कितना है, तो 19। और यहां पर प्रश्न में दिया है 3800, 19 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 3800, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 3800/19, यानी कि 200। 19 में 200 से गुना करने पर 3800 होता है। आपसे पूछ रहा है सी का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 15 में 200 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 × 200, डेट मीन्स कहने का मतलब 15 × 2 = 30, यानी कि 3000, यानी कि 3000। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 12 का 3000 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, विमल को एक संख्या विशेष में 25 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने भूल से 52 से गुना कर दिया। प्राप्तांक और सही उत्तर में 324 का अंतर हो, तो वह संख्या जिसमें गुना करने को कहा गया था कौन सी संख्या है, मतलब वह संख्या आपको निकालना है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, मान लिया कि वो संख्या कितना है x है, सही में उसे गुना कितना से करना चाहिए था, तो x में गुना करने को कहा गया है उसे 25 से, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया कि x में उसने 52 से गुना कर दिया, तो ये आपका 25x, ये आपका 52x, यहाँ पर ये दोनों का अंतर कितना का है, तो 12 में से 5 घटेगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर अंतर कितना का है, तो यहाँ पर अंतर 27x का है। और प्रश्न में कितना दिया है अंतर, प्रश्न में अंतर दिया है आपका 324 का, डेट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 324/27, तो 27 से कम 27, 5 और 4 27 × 54, एक्स का मान 12, डेट मीन्स कहने का मतलब वो संख्या कितना हुआ 12, और 12 आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है, एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। आपके जन्मदिन पर केक का 4/7 भाग खाया गया, अगले दिन आपके पिताजी शेष भाग का 1/2 खा लिए, आप केक को समाप्त करना चाहते हैं, कितने अंश बचे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले कुल भाग को हमने मान लिया कि कितना है 1 है, यानी कि पूरा भाग आपका 1 है, 1 में से 4/7 खा लिया गया। प्रश्न में लिखा है कि 4/7 खा लिया गया, तो कितना बचेगा, तो टोटल आपका कितना था 1 था, 1 में से 4/7 खा लिया गया, तो शेष कितना बचा 1 − 4/7, यानी कि 3/7 भाग बचा हुआ है, यानी कि अब कितना है, अभी आपके पास कितना है, तो अभी 3/7 भाग यानी कि बचा हुआ है, अभी 3/7 भाग है। अब बोला जा रहा है कि अगले दिन आपके पिताजी शेष भाग का 1/2 खा लिए, मतलब 3/7 का यानी कि 1/2, तो 3/7 का 1/2 कितना होगा, मतलब 3/14 भाग यानी कि खा लिया गया, इतना भाग 3/14 भाग खा लिया गया आपके पिताजी के द्वारा। तो अब शेष कितना बचा, यानी कि 3/7 में से 3/14 ये घटाना होगा, तो यहाँ पर घटाइए, तो एलसीएम आपका 14 होगा, तो 7 × 14 3 × 6 14 = 14, 3 × 3 6 में से 3 जाएगा 3/14, ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया गया है 3/14। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का दुगुना है। यहाँ पर देखिए 3 अंक इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। प्रश्न में क्या लिखा है, 3 अंकों में से प्रथम अंक
दूसरे का दुगना है, मतलब प्रथम अंक है जो दूसरे का क्या है दुगना है, दैट मीन्स दूसरा अंक अगर जो एक अनुपात में लेते हैं तो पहला अंक कितना होगा दो अनुपात में। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है और तीसरे से आधा है, मतलब ये पहला अंक है जो तीसरे से क्या है ये तीसरे से आधा है। तो उल्टा हम सोच सकते हैं, आधा का उल्टा दुगना होता है, यानी कि तीसरा अंक होगा जो पहला अंक का क्या होगा दुगना होगा, इस तरह से हम सोच सकते हैं। मतलब ये दो तो ये दो का दुगना चार, या उल्टा भी सोच सकते हैं आप कि चार का आधा कितना होगा दो। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है आगे, यदि तीन अंकों का औसत 56 है तो तीनों अंकों का योगफल कितना होगा 56 गुना 3, यहां पर योगफल कितना है 4 2 6 1 7, यानी कि 7 रेशियो का वैल्यू 56 गुना 3। तो एक रेशियो का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, यानी कि 7 3 56 तो 8 3 24, एक रेशियो का वैल्यू 24। क्वेश्चंस में पूछा है प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना भेद होगा, मतलब दो और चार का अंतर कितना है जो आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए पहला अंक आपका दो है और यहाँ पर तीसरा अंक कितना है ये आपका चार है, ये दोनों में कितना का भेद है, भेद कहने का मतलब अंतर, तो 4 - 2 यानी कि 2, तो यही 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक अनुपात का वैल्यू 24 तो 2 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 48, ये चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की है, शेष बची पुस्तकों में से 3/4 पुस्तकें संदर्भ पुस्तकें है और 150 पुस्तकें इंसाइक्लोपीडिया की है, पुस्तकालय की कुल पुस्तकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, क्योंकि हर में जो रहता है उसका एलसीएम ही आपका टोटल होता है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि कुल पुस्तकों की संख्या कितना रेशियो में हमने मान लिया 4। आगे देखिए लिखा गया है प्रश्न में इस तरह से कि क्या लिखा है, देखिए एक पुस्तकालय में रखी पुस्तकों में से 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की है, मतलब 4 का 1/2 कितना होगा, तो 4 × 1/2 मतलब 2, यानी कि टेक्स्ट बुक का कितना है, यानी कि टेक्स्ट बुक का कितना हुआ, तो 4 का 1/2 कहने का मतलब कितना, तो 2 पुस्तक आपका है टेक्स्ट बुक वाला। अब आगे देखिए क्वेश्चंस में लिखा है शेष बचे पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें है, यानी कि अब जो भी है आपका संदर्भ पुस्तक है, यानी कि शेष पहले कितना हुआ 4 - 2 तो 2, अब 2 का कितना 3/4 तो 2 का 3/4 यानी कि 2 × 4 तो 2 का 3/4 कितने हुआ 3/2 कहने का मतलब 1.5। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है और 150 पुस्तकें इनसाइक्लोपीडिया की, मतलब शेष जो बचा 150 पुस्तक है, तो यहां पर पहले 2 और 1.5 कितना होगा 3.5, मतलब 4 में से आपको 3.5 घटा देना है तो शेष कितने बचेगा 0.5, या आप इसे लिख सकते हैं 1/2 भी, यानी कि आपका शेष इतना बचा। तो प्रश्न में दिया है 1/2 रेशियो, यही जो 1/2 या 0.5 का वैल्यू कितना दिया है 150, आपके प्रश्न में दिया है 150। तो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो एक रेशियो का वैल्यू निकालिए, आधा रेशियो का वैल्यू 150 तो एक रेशियो का वैल्यू 300 होगा। यहां पर आपसे कुल पुस्तक की संख्या, मतलब 4 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो का वैल्यू 300 तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 300 × 4, दैट मींस कहने का मतलब 1200, यानी कि कुल पुस्तक की संख्या 1200 थी। और ये आपका ऑप्शंस नंबर कितना दिया गया है, ये दूसरा नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 6 3 4 7 2 1 में 7 का स्थानीयमान बताना है, तो 7 का स्थानीयमान कितना होगा, तो 7 के बाद कितना अंक है 1 2 अंक है, मतलब 7 पर 00, तो 700 आपका ऑप्शंस नंबर कितना दिया गया है तीसरा नंबर ऑप्शंस। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित है, मतलब कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक अंकों वाली संख्या कितना होगा, तो एक अंकों वाली संख्या आप जानते हैं कितना से कितना तक होता है, तो 1 से 9 तक, एक अंकों वाली संख्या 1 से 9 तक होता है, दैट मींस कहने का मतलब टोटल 9 डिजिट होगा, यानी कि 9 × 1 अंकों वाली है तो 9 × 1 यानी कि 9 अंक टोटल हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एक अंकों वाली संख्या। अब देखिए 2 अंकों वाली संख्या तो 2 अंकों वाली संख्या कितना होगा, दैट मींस कहने का मतलब 2 अंकों वाली संख्या 10 से 99 तक, ये टोटल कितना होगा, तो 99 - 10 + 1 डेट मीन्स कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 90, और ये आपका 2 अंकों वाली संख्या है तो 90 × 2 डेट मीन्स कहने का मतलब 180 अंक। अब इसके बाद देखिए 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, तो 100 से कहां तक 300 तक, क्योंकि 300 तक ही बोला है, ऐसे 100 से 999 तक होता है 3 अंकों वाली संख्या, लेकिन आपसे पूछा है 300 तक ही,
तो 100 से 300 तक टोटल कितना संख्या होगा, तो 300 माइनस 100 प्लस 1 यानी कि 201, तो 201 ये तीन अंकों वाली है तो गुना 3, दैट मींस कहने का मतलब 603 अंक। तो यहां पर देखिए ये सभी को जोड़ देना है आप, यानी कि 603 प्लस 180 प्लस 9 यानी कि कितना हो जाएगा 3039 कितना 12 यानी कि 9 3 12 के 2 बाकी 1, इसके बाद देखिए 8 0 8 और 1 9, उसके बाद 6 और 1 7, दैट मींस कहने का मतलब 792। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 18 का 792 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 19 नंबर, क्वेश्चंस नंबर देखिए 19, चार अंकों वाली सबसे छोटी संख्या चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है, मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो चार अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 होगी और चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, ये दोनों का अंतर पूछ रहा है आपके प्रश्न में। तो ये देखिए आपका 1000 है, ये 9999 है, तो अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, दैट मींस कहने का मतलब ये 9999 में से आपको कितना घटाना है 1000, तो 8999 होगा, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो 8999 चौथा ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर क्वेश्चन है, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या से खाली स्थान अधिक है, तो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या एक पर पांच जीरो यानी कि 100000 होगा, यहां पर हम लिख देते हैं एक पर पांच जीरो, दैट मींस इसे 100000 लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में बोला है पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 99999 होगा, ये दोनों का अंतर, तो अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए ये क्या है, 100000 पूरे है, ये 99999 है, यानी कि 100000 में से आपको 99999 घटाना है, दैट मींस कहने का मतलब आपका सिर्फ एक आएगा, यानी कि एक कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो 20 का एक ऑप्शन नंबर एक में एक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, ये क्वेश्चन आपका है, 22.5 मीटर लंबी एक छड़ के 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, दैट मींस 22.5 मीटर आपका लंबा छड़ है, इसमें से आपको 45 सेंटीमीटर वाला कितना टुकड़ा काटा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए वाट बराबर क्या होगा, 22.5 मीटर बटा 45 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 22.5 गुना 100 ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, और नीचे 45 ये सेंटीमीटर में है ही, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, अब डेसिमल हटा देंगे तो नीचे में कितना होगा 10 से गुना होगा। अब देखिए ये 45 पच्चे कितना होता है, तो 45 पच्चे 225, ये 5 से 5 दूनी 10 और ये 2 से 50 दूनी 100, यानी कि टोटल 50 टुकड़ा ऐसा संभव है, तो 50 आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है चौथा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, 51 गुना भाट बराबर 1632, तो भाट का मान बताना है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले भाट बराबर हम लिख सकते हैं 1632/51, अब ये देखिए 37 51, ये 3 से कैंसिल होता है, तो ये देखते हैं 6 3 9 2 11 1 12, ये भी 3 से कैंसिल होगा, तो 37 51 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 15, फिर 1 और 3 3 4 12, उसके बाद 1 और 2 3 4 12, अब देखिए ये 17 से कैंसिल होता है, ये 17 से कैंसिल होता है ये नहीं चेक करते हैं, तो 37 51, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 17 2 34 कैंसिल हो रहा है, 37 51 फिर 17 2 34, ये 17 से 17 कम 17 यानी कि 32 बार में कैंसिल हो गया, तो 32 कौन सा ऑप्शन दिया है, ये देखिए 32 ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन आपका है, 680 रुपये को पी क्यू और आर के बीच इस तरह विभाजन किया गया कि पी को क्यू का 2/3 हिस्सा मिलता है, यानी कि P और Q का रेशियो दिया है 2:3, आगे क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है, और Q को R का 1/4 हिस्सा मिलता है, R को कितना रुपया मिला, मतलब Q और R का क्या रेशियो दिया है, Q और R का रेशियो दिया है 1:4, यहाँ पर देखिए Q 1 है यहाँ Q 3 है, तो Q को समान करते हैं मतलब इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 3:12, अब देखिए यहाँ भी क्यू 3 यहाँ भी क्यू 3, दैट मीन्स पी क्यू और आर का रेशियो कितना हो गया 2:3:12, क्वेश्चंस में दिया है 680 रुपया टोटल, यहाँ टोटल कितना है 12 3 15 15 2 कितना तो 17, दैट मीन्स कहने का मतलब 17 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है 680 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 17 4 68, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 40 रुपया। क्वेश्चंस में पूछा है आर को कितना मिला, तो यहाँ पर देखिए आर को 12 मिल रहा है, तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 12 गुना 40
यानी कि 12 चौक 48 तो 480 रुपया। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ये आपका एक नंबर ऑप्शन में 480 दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कबूतर है, उनके सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने लिखा है शॉर्ट में कुल सिर 90 है, कुल पैर 224 है, कबूतर की संख्या निकालना है। एक कबूतर के पास दो पैर होता है और एक खरगोश के पास चार पैर होता है, तो एक कबूतर और एक खरगोश के पैरों का अंतर कितना का हुआ? तो दो का। अब देखिए इसके बाद आपको क्या निकालना है, कबूतर की संख्या निकालना है, यानी कि दो पैर वाला आपको निकालना है कितना है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जब दो पैर वाला निकालना है तो टोटल जो दिया है उसे हम चार पैर वाला मान लेंगे, यानी कि कुल 90 सिर है तो 90 × 4 डेट मीन्स कहने का मतलब ये कितना हो गया, तो 9 × 4 = 36 360 पैर ये हो गया आपका, यानी कि प्रश्न में कितना दिया है 224, तो 360 और 224 का अंतर कितना का हुआ, तो आप घटा लीजिए 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, डेट मीन्स 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर अंतर आपका कितना है 136 का, यहाँ अंतर कितना है 2 का, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू कितना 136, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना 68, डेट मीन्स कहने का मतलब 1 रेशियो का वैल्यू जो निकलता है वही आपका, यानी कि दो पैर वाला की संख्या जो निकालना है वो हुआ, यानी कि कबूतर की संख्या कितना हो गया 68। तो ये 68 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, एक नंबर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर जो आपसे खरगोश की संख्या पूछे तो खरगोश कितना हुआ, तो टोटल कितना है 90, जिसमें से 68 आपका है खरगोश, तो कितना बचा, यानी कि 90 में से 68 घटा दीजिए तो 68 और 2 70 20 90, यानी कि 22 आपका क्या है खरगोश है। तो इस तरह से खरगोश पूछता तो खरगोश भी बता सकते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। संख्याओं 1 से 100 के मध्य की संख्याएं इकाई स्थान पर संख्या 3 कितनी बार आती है, तो इकाई स्थान पर जैसे 1 से लेकर 100 तक आपको बताना है, इसमें इकाई स्थान पर 3 कौन कौन संख्या में आती है, तो सबसे पहला तो खुद आपका 3 हो गया, उसके बाद 13, यहाँ पर इकाई स्थान पर 3 है, 13 के बाद 23, उसके बाद 33, फिर 43, उसके बाद 53, उसके बाद 63, फिर 73, 83 और 93, यही 1 से 100 तक इतना ही संख्या होगा, तो टोटल कितना है, जहां देखिए इकाई का स्थान पर सभी का 3 दिख रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये टोटल कितना है, तो ये 9 और 1 10, मतलब कुल कितना ऐसा संख्या है, तो कुल 10 संख्या ऐसा है जिसका इकाई का स्थान पर 3 है। ये 10 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है, मतलब ये आपका सी नंबर ऑप्शन में 10 है, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन कौन सा है, तो एक का सी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो यहां पर देखिए दहाई के स्थान पर 1 से 100 तक में आपको बताना है, तो देखिए सबसे पहले 20 में यहां पर देखिए इकाई दहाई के स्थान पर 2 आ रहा है, 20 के बाद 21 इकाई दहाई के स्थान पर 2 आ रहा है, यानी कि आपको दिखना चाहिए, फिर उसी प्रकार से 22 होगा, 23 होगा, 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, मतलब इतना होगा, तो ये टोटल 9 और एक ये, यानी कि ये भी आपका कुल कितना है, तो 10 ऐसी संख्या है 1 से 100 तक जिसके दहाई के स्थान पर केवल 2 आएगा। अब देखिए ये कौन सा यानी कि ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन में 10 दिया है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन आपका है ये चौथा नंबर ऑप्शंस में सी दिया है, मतलब ऑप्शंस नंबर 4 आपका आंसर हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 27 6347785 में 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 के बाद एक अंक है मतलब 80। इसके बाद देखिए ये 80 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 27 का 80 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 80, लेकिन बी नंबर ऑप्शन आपका कौन सा है, 27 का बी दिया गया है, दूसरा नंबर ऑप्शन में बी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ये जो संख्या लिखा गया है इसमें 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 के बाद 1, 2, 3, 4 अंक है, मतलब 4 पर 4 0 होगा, उसके बाद 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान सिर्फ 2 होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब ये आपका 40,000 और 2, यानी कि 40,000 में से आपको कितना घटाना है 2, तो कितना होगा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर 9, ये भी 9, ये भी 9, ये 3, यानी कि 39,998, ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स
कि एक जुड़ी नहीं है, मतलब प्राइम नंबर सबसे पहले आपको तो दिखना चाहिए कि 133 ही नहीं है, इसलिए 133 को आप लिख सकते हैं 19 × 7 = 133 होता है। तो ये वाला आपका है जो 131 और 133 ट्विन प्राइम नंबर्स का जोड़ा नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये जो संख्या लिखा गया है इसमें से 3 का स्थानीय मान और 3 के अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 के बाद 1, 2, 3 अंक है, मतलब 3000 हो गया 3 का स्थानीय मान, और 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा। तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, दैट मीन्स 3000 में से आपको 3 घटाना है तो 2997 होगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 2/3 भाग बच्चे एक से 12 आयु वर्ग के है, मतलब 1 से 12 आयु वर्ग के बच्चे कितना है, तो ये आपका दिया है 2/3 बच्चा है, 2/3 भाग है। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है इनमें से 3/4 भाग बच्चे 1 से 8 आयु वर्ग के हैं, मतलब 1 वर्ष से 8 वर्ष आयु वर्ग वाले कितने बच्चे हैं, मतलब 2/3 × 3/4 करना होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब 1/2 भाग बच्चा है जो 1 से 8 आयु वर्ग का है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि आयु वर्ग 9 से 12 में बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है 9 से 12 आयु वर्ग वाले कितने बच्चा है, डेट मीन्स ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2/3 में से आप ये वाला घटा देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि 9 से 12 आयु वर्ग वाले कितने बच्चे हैं, तो एलसीएम 6 होगा, 3 × 6 = 2, 2 × 4 = 2, 3 × 6 = 3, मतलब 1/6, ये आपका सी नंबर ऑप्शन दिया है जो तीसरा नंबर ऑप्शन का सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए, मतलब 2 संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2 संख्या का अनुपात है 5/3, और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके प्रश्न में दे दिया है, कितना दिया है गुणनफल 375, तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं किस तरह से, तो 375 गुणनफल यहाँ दिया है, यहाँ गुणनफल कितना होगा तो 5/3 यहाँ गुणनफल होगा इस तरह से। अब 2 राशि का गुणनफल कर रहा है इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए वर्गमूल करते हैं, दैट मींस इस तरह से। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 35, फिर 5 से 25, ये 3 से 25 तो 75, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5। आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 5 और 3 में 3 है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15। आप अगर जो निकालना चाहें 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है 5/5 यानी कि 25। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू ये 5 आपको पता हो गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू आप 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब 15। तो 15 और 25 आपका ये दोनों संख्या हो गया, इसमें से आपका छोटी कौन है, तो छोटी संख्या 15 है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 15, 32 का ऑप्शन नंबर कौन दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन, लेकिन ये ए नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है तीसरा का ए, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 100 तक में सिर्फ 1 आता है जो 21 बार आता है, और 1 के बाद 2 कितना बार आता है तो 20 बार आता है, और यहाँ पर 3 भी आपका कितना बार आता है 20 बार, इसी प्रकार से 4 भी आता है 20 बार, यानी कि टोटल आपका जो भी है 5 भी आता है 20 बार, इसी प्रकार से हम डॉट डॉट कर देते हैं 6 भी आएगा 20 बार, 7 भी आएगा 20 बार, और 8 भी आएगा 20 बार, 9 भी आता है 20 बार, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 के बारे में पूछा है तो 5 कितना बार आएगा 20 बार, और 20 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन, और सी दिया गया है दूसरा ऑप्शन, मतलब सी नंबर ऑप्शन में आपका कितना दिया है 20, और ये 33 का सी दिया गया है आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, मतलब दूसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अगर जो बाई ऑप्शन चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हम बाई ऑप्शंस में सी नंबर ऑप्शंस को ले रहे हैं 54, तो यहाँ पर ये आपका 4 है जो इकाई का अंक है और 5 है जो दहाई का अंक है। क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है 2 अंकों का योग 9 है, यानी कि
5 प्लस 4 तो यहाँ पर 9 हो रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। आगे लिखा है दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर एक है, मतलब दहाई का अंक माइनस इकाई का अंक का अंतर कितना है, एक है। यहाँ देखिए 5 है दहाई का अंक और 4 है इकाई का अंक, ये दोनों का अंतर एक है, मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। लेकिन सी नंबर ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ। तो नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल में जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के द्वारा देख सकें।